तो फाइनली नाइट मैनेजर सीरीज का सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है, और मैं आपको बता दूं इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो 16 फेब को 2023 को रिलीज हुआ था, जो कि अब 5 महीने बाद इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है। कल रात को ही रिलीज हो गया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं किसी और मूवी के रिव्यू के चक्कर में पड़ा था और मैं उसका रिव्यू बना रहा था, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मैं पूरी की पूरी सीरीज का रिव्यू करूंगा, ना कि 3 ही एपिसोड का करूंगा जो कल रात को रिलीज हुए थे, मैं पूरी की पूरी सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सीरीज किसी ब्रिटिश सीरीज का एडेप्टेशन है, जिसका नाम भी द नाइट मैनेजर था, और वो किसी नॉवेल ब्रिटिश का एडेप्टेशन है जिसका नाम भी द नाइट मैनेजर ही था। तो मैं कह नहीं सकता कि सेम टू सेम फ्रेम टू फ्रेम बनाई गई है, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं है। तो अगर मैं देखूंगा तो श्योर मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये सीरीज शुरू होती है एक आम डीलर से, जो कि शैलेंद्र रोंगटा है, जो कि एक आम डीलर है, और वो लोगों के सामने कुछ और पीछे कुछ और, मतलब कि सामने कुछ और बता रहा है और आपके पीछे कुछ और है, जो कि एक इंडियन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बताया गया है, और इंडियन गवर्नमेंट के सामने वो बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी टाइप कह सकते हैं, लेकिन अंबानी के लेवल का नहीं, लेकिन अंबानी टाइप कह सकते हैं, इतनी उसकी पहुँच है गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट के सामने उसका नाम लेती, गवर्नमेंट वाले भी कह रहे थे भाई नहीं, हम इसके सामने नहीं जाएंगे। और उसको पकड़ने के लिए चाहिए एक एविडेंस प्रूफ और एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम। तो उसके सामने आते हैं एक शान सेन गुप्ता, जो कि हमारे आदित्य रॉय कपूर जो इसका रोल निभा रहे हैं एज ए नाइट मैनेजर। तो वो एक इंसिडेंट की वजह से उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं अभी इसका पर्दाफाश करना ही है कुछ भी करके, और वो धीरे धीरे से जैसे स्टोरी शुरू आगे जाती है, तो कैसे वो उसकी टीम के उसकी कंपनी के CEO बन जाते हैं शान सेन गुप्ता, जो कि हमारे आदित्य रॉय कपूर है, वो धीरे धीरे उनकी कंपनी के CEO बन जाते हैं। इसके फर्स्ट एपिसोड को इतनी अच्छी तरह से खत्म कर दिया गया है ना, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, आप सोचोगे कि नहीं अभी पूरी सीरीज को एक ही टाइम में देखना है। तो इतनी अच्छी तरह से इन्होंने फर्स्ट सीरीज का सस्पेंस जब खत्म किया, तो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने खत्म किया एपिसोड। और सेकेंड एपिसोड थोड़ा ढीला सा लग रहा था, और थर्ड भी, और फोर्थ की तो मतलब क्या कहूँ, फोर्थ तो ऐसा लग रहा था कि भाई लाओ लाओ यार, क्यों इसको पोस्टपोन कर दिया, मतलब क्यों आगे रिलीज कर रहे हैं इसको, 5 महीने बाद क्यों इसको रिलीज किया, ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी देख लो, मतलब मुझे वैसे ही लग रहा था जब मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। और इस सीरीज में कोई ऐसा फालतू वालतू सीन नहीं है, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी डांस वांस आ गया कुछ भी वगैरह वगैरह। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट की बात करूँ, तो जैसे ही वो फिफ्थ एपिसोड खत्म होता है ना, मतलब क्या मज़ा आता है जब इसका फिफ्थ एपिसोड खत्म होता है ना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आप देखोगे तो। और इसके जो लास्ट के 2 एपिसोड है ना, इतना सस्पेंस से भरे हुए हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ। 7th एपिसोड का स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है अगर देखने जाए तो, जैसे वो मतलब कि शान सेन गुप्ता कैसे उसको पकड़ के वापस इंडिया लेके जाता है, स्पॉइलर हो गया वैसे तो, लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। देखो भाई लोग, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा पसंद आया जो कि एक्टिंग में था, वो थे अनिल कपूर सर। क्या एक्टिंग है, मतलब कसम से मज़ा ही आ गया, आप देखोगे तो मतलब बोलोगे वाह भाई क्या एक्टिंग की अनिल कपूर सर ने। और अगर मैं बात करूँ तो 66 की एज में भी इतने हॉट फाइन और हैंडसम दिखने वाला एक्टर आपको कहाँ मिलेगा, और ऐसी एक्टिंग तो मतलब कसम से मज़ा ही आ गया, आप देखोगे तो बोलोगे वाह क्या एक्टिंग है। देखो भाई लोग, जिस सीरीज में गालियाँ बहुत है, लेकिन जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई गाली ही दे रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको पता है कैसी लगती है जब गालियाँ बोलो। ये सीरीज में थोड़े कुछ इंटीमेट सीन्स है जो भी है वो सब के सब सेकेंड पार्ट में है, और वो एक ही एपिसोड में है, लेकिन नहीं होता तो ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के डाला गया ऐसा मुझे लगा, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से तो बराबर है अगर वो मैं देखने जाता हूँ। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस सीरीज को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देव का रिव्यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 200 सब्सक्राइबर से दूर नहीं है हम, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और 200 सब्सक्राइबर पर ये टीम को पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देव का रिव्यू।